हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे गाइस हम लोग लेके आ गए हैं RPC S3 ऑन एंड्रॉयड में। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि भाई एक इसके ऊपर वीडियो बना दो कि RPC S3 जिसका कि नाम है हम लोग का एंड स्टेशन 3, इसका अभी क्या अपडेट चल रहा है ऑन एंड्रॉयड में, ये कब तक हम लोग का रिलीज़ हो जाएगा। तो गाइस वैसे मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि भाई अपने चैनल में फेक PS3 एंड्रॉयड एमुलेटर निकाल के उसको मोस्ट व्यूड में ले जाता हूँ। नहीं नहीं गाइस, मेरे को PS3 एंड्रॉयड एम्युलेटर के नाम पे कोई भी व्यूज लेने का शौक नहीं है। बाकी यहाँ पे हम लोगों को फोर्स किया गया है मेरे ऑडियंस की तरफ से इसके ऊपर वीडियो बनाने में। और ये जो एम्युलेटर है गाइज, मैं इसका वैसे तुम लोग को बता देता हूँ कि एंड स्टेशन 3 ये जो एंड्रॉयड एम्युलेटर है हम लोग का कैसा होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। हाँ, ये हम लोग का एक रियल एंड्रॉयड एम्युलेटर है जो कि हमारे एंड्रॉयड के लिए कुछ दिन में रिलीज़ हो जाएगा। बाकी ये वाला वीडियो देख लो तो कमेंट भी कर देना कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वाला एम्युलेटर हम लोग के लिए सच में इतना ज़्यादा ऐसा टाइप का है जिसके कि हम लोग वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी गाइस ये जो एम्युलेटर है हम लोग को काफ़ी सारे बंदे इस वाले वीडियो में मेरे को ऐसा भी बोलेंगे कि भाई ये एम्युलेटर ऐसा है, तो मेरे को गालियाँ भी पड़ेगी। लेकिन गाइस देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, हम लोग एक एम्युलेटर के अंदर एक एम्युलेटर यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबॉक्स एम्युलेटर खुद का एक एम्युलेटर है, एंड्रॉयड के अंदर टर्मक्स बॉक्स, उसके अंदर मोबॉक्स, ये आ गए दो लेयर। और तीसरा लेयर है उसके अंदर हम लोग चलाने वाले हैं यहाँ पे RPC S3। चौथा लेयर आ गया गाइज, RPC S3 के अंदर हम लोग जो भी है अपना गेम वो रन कर पाएंगे। तो वैसे अधिकतर जो लोग हैं उसको ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन गाइज साफ सीधी बात, यहाँ पे जितना हम लोग का 3-4 डिवाइस में पावर होता है ना, उतना हम लोग को एक डिवाइस में निकाल के यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग के पास हाई एंड डिवाइस तो होना ही चाहिए। फिलहाल के लिए तो एंड स्टेशन 3 का कुछ ऐसा मामला है गाइस, एम्युलेटर रियल है लेकिन एंड स्टेशन का ऐसा मामला है, हम लोग के पास हाई एंड डिवाइस होना चाहिए, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 855 होना चाहिए, 778G होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि मोबॉक्स में कोई भी विंडोज़ एम्युलेटर अभी हम लोग ले लेते हैं, उसमें हम लोग को रैम लीकेज देखने मिलता है, तो मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट 8GB रैम। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम लोग को कम करना है रैम तो 6GB रैम ले लो, उससे नीचे RPC S3 एंड्रॉयड में चलेगा ही नहीं, ठीक है। 4-5 लेयर्स हैं, उनके अंदर हम लोग जाके ये गेम जो है उसको रन करने वाले हैं। रियल में जो गेम है गाइस स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में अगर तुम लोग देखना चाहते हो गॉड ऑफ वॉर 3 कैसा चलेगा, तो यहाँ पे मैं जो तुम लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ ये रियल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का है, मेरा 1+11 का। मैंने तभी ये वाला वीडियो निकाल दिया था जब अपना फैक्स एंड्रॉयड एम्युलेटर में ये वाला RPC S3 0.0.29 वर्जन यहाँ पे प्लेबल हुआ था। बाकी यहाँ पे डिवाइस 1+11 का था मेरा, जिसने भी वीडियो कॉपी किया उसने अपने बताया स्नैपड्रैगन 870। नहीं गाइस, ये था 1+11 का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का, और यहाँ पे जो गेम का साइज था लगभग 40-50GB का था। और ये गेम गाइस शेडर कंपाइलिंग के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 आवर्स का हम लोग को टाइम लगा था, बस गेम को शेडर कंपाइलिंग होने के लिए शुरुआत का ही, बस 6 आवर। मतलब कि ये वीडियो बनाने के लिए कम से कम हम लोग को 2-3 दिन लग गया था। हम लोग ने ये वाला गेम खेला, वैसे जो गेम का लॉबी है वो बढ़िया चल रहा था, अब तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई गेम हम लोग का ऑब्वियसली अंदर बढ़िया चलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर गए ऑन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में, जैसे ही हम लोग गेम के अंदर गए गाइस, हम लोग का FPS 1-2 FPS आ रहा था। बाकी गाइस यही वाला सेम गेम हम लोग ने रेड मैजिक 9 में भी टेस्ट किया था, तुम लोग को अगर याद होगा या नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग को इन गेम 10-15 FPS के अराउंड में मिला था ऑन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, मोबॉक्स का वर्जन था Wine 9.3। तो ये गाइस ऐसे अभी हालात हैं RPC S3 ऑन एंड्रॉयड एम्युलेटर का। बाकी गाइस देखो, हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे एंड्रो स्टेशन कैसा एम्युलेटर है, इसी के ऊपर बेस होने वाला है गाइस बाकी यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा कोई एंड्रॉयड एम्युलेटर आता है जो कि नेटिवली ही RPC S3 का जो सोर्स कोड है उसको पोर्ट करके एंड्रॉयड में चले, तो वो बढ़िया रहता है। इंस्टीड ऑफ ट्राइंग मोबॉक्स या डार्क OS, उससे हम लोग का या तो जो लेटेस्ट एम्युलेटर जिसके बारे में ये वाला वीडियो मैंने बनाया एंड स्टेशन 3 एंड्रॉयड एम्युलेटर, तो वैसे अगर फिर भी अगर हम लोग को इंतज़ार है गाइज, या हम लोग में से कोई एक ऐसा बंदा है जिसको भाई
कुछ भी हो जाए लेकिन गेम चलाना है, एक दो FPS में भी गेम चलाना है RPCS3 वाला, तो उसके लिए मेरे को बता देना, मैं मोबॉक्स के लिए ट्यूटोरियल ले आऊँगा। सबसे बढ़िया अभी परफॉर्मेंस मोबॉक्स में RPCS3 एंड्रॉयड एम्यूलेटर जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतना वैसे तुम लोग को इसी वाले वीडियो में भी परफॉर्मेंस दिखा दिया, और फिर भी अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं शाम तक वो लेके आता हूँ। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।